बिग बॉस 13 हिट होने के बाद शहनाज गिल और पारस छाबड़ा शो मुझसे शादी करोगे में अपने लिए एक दूल्हा और दुल्हन ढूंढने आए हैं और इसी के चलते इस हफ्ते उनकी मदद करने आए हैं जय भानुशाली। पर इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि जय भानुशाली पारस छाबड़ा पर भड़क जाते हैं। जी हाँ, दरअसल जय भानुशाली पारस छाबड़ा के पास लड़कियों की कुछ कंप्लेंट्स लेकर आते हैं, तो इसके लिए वो पारस को कुछ वीडियोस दिखाते हैं। तो सबसे पहले वो अंकिता श्रीवास्तव की वीडियो दिखाते हैं जिसमें अंकिता कहती हैं, पारस को मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, मैंने उनको फूल गिफ्ट किया था और उन्होंने उल्टा मुझे ही सुना दिया, मैं एफर्ट्स कर रही हूँ पर उनको वो चीज दिखती ही नहीं है। इस वीडियो के बाद जय भानुशाली पारस को डांटते हुए कहते हैं कि अगर कोई इंसान आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा है, आपको फूल गिफ्ट कर रहा है, तो आपको भी उल्टा उसके लिए कुछ एफर्ट्स दिखाने ही होंगे। इसके बाद जय संजना गलरानी की एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें संजना कहती हैं, पारस मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी की तरह देखता है और आकांक्षा उसके हिट लिस्ट में है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या किया कि मैं उसको उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की याद दिलाती हूँ, और वो ये कहते ही रोने लग जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद पारस जय भानुशाली से कहते हैं, ये लड़की हर बात पर रोती है और ये बिल्कुल भी रियल नहीं लगती है। तो जय उनसे कहते हैं, अरे यार वो कोशिश तो कर रही है और क्या करेगी वो। जय आगे कहते हैं, ऑडियंस को भी लग रहा है यार, जो तुम बिग बॉस में थे वो यहाँ पर नहीं हो, इस घर की लड़कियाँ तुमसे अपने दिल की बात कहने से ही डरती है कि कहीं तुम उनको फेक ना बोल दो। तो इस पर पारस कहते हैं कि कोई रियल है ही नहीं तो मैं किस चीज का एफर्ट करूँ इनके ऊपर। इसके बाद जय हीना पांचाल की एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें हीना कहती हैं, बिग बॉस में पारस के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माहिरा शर्मा थी, तो इस घर की हर जगह उनको उनकी याद दिलाती है। तो पारस इस बात पर कहते हैं, हाँ यार मुझे माहिरा की याद आती है, मुझे सिद्धार्थ की भी याद आती है, मुझे अपनी माँ की भी याद आती है, तो इस पर क्या। तो इस पर जय कहते हैं कि सिद्धार्थ और माँ में बहुत फर्क है पारस, अगर तू किसी और लड़की के बारे में बात करेगा तो वो सामने वाली लड़की तेरे पास आएगी ही क्यों। इन सभी वीडियोस को देखकर पारस छाबड़ा भड़क जाते हैं और वो कहते हैं, मैं इन पांचों लड़कियों में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, इन पांचों लड़कियों को देखकर मुझे डिप्रेशन सा होता है। पारस की यह बात सुनकर जय भानुशाली भड़क जाते हैं और वो कहते हैं, भाई तूने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, ये जो तूने अभी अभी कमेंट किया है ना वो बहुत ही वाहियात था, तुझे जरा भी शर्म नहीं है कि तू लड़कियों के बारे में क्या बोल रहा है। और इसके बाद पारस छाबड़ा वहाँ से उठकर चले जाते हैं। शो मुझसे शादी करोगे से जुड़े और भी कई ताज़ा खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।